नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। शिक्षा दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने दिनों को याद किया। जिस तरीके से जेपी आंदोलन में वहां से रणनीति तैयार होती थी, अपने साथियों के साथ एक राजनीतिक रूप वहां दिया गया था और वहीं से सीएम नीतीश का सफर शुरू होता। उसके बाद सीएम नीतीश अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक बेहतरीन लम्हा बताया जो उनके कॉलेज लाइफ में हुआ करता था। जरा आप भी सुनिए। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज खुशी की बात है कि आज शिक्षक दिवस के आयोजन पटना विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों का और वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो मैं तो उनको बधाई दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ, पुनः उनको मैं बधाई दे रहा हूँ। और पटना विश्वविद्यालय भारत का, पूरे देश का सातवां विश्वविद्यालय है। अब तो पहले ही ना पढ़े थे जी। ये इतना पहले था, मात्र सात विश्वविद्यालय देश में था, अब तक पटना यूनिवर्सिटी बना था। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब क्या हो गया है। 1917 में बना था और अब हो गया 106 वर्ष पूरा पटना विश्वविद्यालय का। और पटना विश्वविद्यालय ने शुरू से शिक्षा एवं शोध में अपना अभूतपूर्व योगदान किया था। अब पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम तो हमेशा से तत्पर रहते हैं, भैया के भी तत्पर।
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय प्रधानमंत्री थे, मेरी बात को माने, और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी थे इसके मंत्री, तो हम जब कहे तो मान ली, और किसी को भेजे कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इधर उधर कर डाल, हम करे हम कर एक और हम अलग से जमीन दे दिए, आप कितना बढ़िया पढ़ाई होता है आपको मालूम है। एनआईटी हम बनवाए, 14 एनआईटी बना था, तो हमने कहा था भाई 14 और दूसरा एनआईटी बनाया है, आइए तो सबसे पुराना में से है आप उसको बनाइए, उसको बना दिए। और आपको मालूम है ये जो पटना यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब एनआईटी बन गया, कितना बढ़िया है इंस्टीट्यूट, आपको मालूम है कि कितने लोग करते। अरे एक बार आपको इंजीनियरिंग कॉलेज एक बार गवर्नर साहब को जाकर दिखा दीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना बढ़िया बना है और कितना अच्छा काम हो रहा है, आप देख लीजिएगा और कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है और कितने लोग। अरे हम लोग जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उस समय संख्या कितनी थी हम लोग की, कुल 500 थी बस हम लोग जब पढ़ते थे, आज आप मालूम